सर एक लेटर लगा है पुलिस के खिलाफ एक बड़े अधिकारी पे, तो उस पर क्या कर रहे हैं? हमने इसको तुरंत संज्ञान में लिया, सामाजिक माध्यमों में ये लेटर वायरल हो रहा था और उसको हमने लेकर के DCP रवीना त्यागी को इस पर तत्काल जांच शुरू करने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा दिया गया है। तो इसकी जांच जैसे ही पूरी होती है, अगर कोई तथ्य होता है तो कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई तथ्य नहीं होता है तो इस बात पर देखा जाएगा कि ये कार्य किया किसने था और इसके पीछे की मंशा क्या है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। 112 में तो मुझे अभी 4 ही महीने हुए हैं और इस तरह का कोई कार्रवाई संभव ही नहीं है जिस तरह के आरोप। पुलिस और पुलिस पर लगने वाले घूसखोरी के आरोप लगता है चोली दामन का साथ है। कई मामलों में सच्चाई हो भी सकती है और कई मामलों में पेशबंदी भी होती है। कानपुर में तो लगता है घूसखोरी के आरोप पुलिस पर लगना एक आम बात हो गई है। एक दरोगा के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने IDO में वादी से घूस मांगी फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पे। और दूसरा मामला एक कानपुर में अभी सामने आया है कि घूस पुलिस के IPS पे घूसखोरी का रेट फिक्स करते हुए कुछ पोस्टर बनाए गए और उनको कई कार्यालयों के बाहर लगाया गया। क्या सत्ता है ये पुलिस जांच होगी, लेकिन इससे पुलिस की छप्पे जरूर फर्क पड़ता है। जॉइंट कमिश्नर कानपुर के आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं किस मामले में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक लेटर लगा है पुलिस के खिलाफ एक बड़े अधिकारी पे, तो उस पर क्या कर रहे हैं? हमने इसको तुरंत संज्ञान में लिया, सामाजिक माध्यमों में ये लेटर वायरल हो रहा था और उसको हमने लेकर के DCP रवीना त्यागी को इस पर तत्काल जांच शुरू करने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा दिया गया है। इस पर जांच 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। चूँकि यह बेनामी पत्र है तो एक बिना किसी नाम का राइटअप है, तो हमारे जो अपने एग्जामिन करने के तरीके हैं हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और हम हर किसी चीज़ को ये ट्रांसपेरेंसी के लिए और बेटर गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि चाहे बात जो भी हो, जैसी भी हो, सही हो गलत हो, उसको हम एग्जामिन करें, करते रहें और सिस्टम के बेटरमेंट के लिए काम करते रहें। तो इसकी जांच जैसे ही पूरी होती है, अगर कोई तथ्य होता है तो कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई तथ्य नहीं होता है तो इस बात पर देखा जाएगा कि ये कार्य किया किसने था और इसके पीछे की मंशा क्या है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक बार जांच पूरी हो जाए तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा। आपको लगता है कि कमिश्नरी ऑफिस है, अगर किसी को घूसखोरी की शिकायत थी तो इस पर शिकायत भी हो सकती थी, कोई लगता है क्या कोई पेशबंदी है या कुछ बदनाम करने की साजिश लगता है? देखिए, इस तरह की कोई भी चीज़ अभी हम इस स्टेज पे नहीं कहना चाहेंगे। तरह तरह के ऑब्जेक्टिव और तरह तरह के थॉट के साथ लोग अलग अलग कार्य करते हैं। अब किसने किस थॉट के साथ क्या किया है, इट मे बी जेन्युइन, इट मे नॉट बी जेन्युइन, तो दिस इज़ नॉट राइट टाइम कि हम इस बात पे कमेंट करें। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने अपने वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर को इसकी जांच दी है और हम ये विश्वास करते हैं कि जांच में जो भी फैक्ट एकदम क्लियरली आएगा हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हमने एक सेल भी बनाई थी कि पुलिस कर्मियों के कई इधर आरोप लगे थे, चरित्र आरोप भी लगे थे, इधर कई मामले घुसखोरी के भी आ चुके हैं सामने, तो इसके लिए एक सेल भी बनाई थी कि इसमें कोई कंप्लेन कर दे, तो लगता है कि इससे पुलिस इस तरह के जो मामले आते हैं पुलिस पर कुछ फर्क पड़ता छवि पर? देखिए, ये अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़ अगर वो सामने तुरंत आ रही है तो ये सिस्टम के ऊपर विश्वास है कि लोग कोई भी चीज़ हो कई बार सही और कई बार उसका मिसयूज भी करते हैं गलत, तो चीज़ों को ले आते हैं। और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त महोदय के साफ निर्देश हैं कि विद फुल ऑफ द ट्रांसपेरेंसी और एकदम कंप्लीट और क्रिस्टल क्लियर तथ्यों के साथ हम काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस समय वो जिनके ऊपर IPS हैं राहुल मिठासा, उन पर भी आरोप लगा है, वो खुद यहाँ मौके पर, हम उससे पूछ लें कि उनके मनो क्या फर्क पड़ता है या इसमें क्या सच्चाई है। सर, आपके खिलाफ़ एक लेटर लगाया गया कार्यालय के बाहर चिपकाया गया है जिसमें कहा गया कि आप रेट बनाते हैं 112 में पोस्टिंग के लिए, उसमें क्या कहना है? नहीं, इस विषय पर जाँच हो रही और जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आप कितने महीने हुए यहाँ पे आए हुए और इसके पहले भी इस पर आरोप लगाया गया, तो ऐसा लगता है कि क्या कोई मतलब किसी ने आपको टारगेट करने की कोशिश की? कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? 112 में तो मुझे अभी 4 ही महीने हुए हैं और इस तरह का कोई कार्रवाई संभव ही नहीं है जिस तरह के आरोप। बिल्कुल ठीक है, ये IPS हैं राहुल मिठास, सीधे इनको टारगेट किया गया है। किसी भी अधिकारी के ऊपर इस तरह आरोप लगे तो उसका मनोबल टूटता है, अगर सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। खैर,
कानपुर के पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने एक आईपीएस को जांच दी है और दूध का दूध पानी करने का भरोसा दिया है। अब देखना ये होगा इस जांच में क्या निकलता है, अगर सच्चाई है तो अधिकारी पे क्या कार्रवाई होती है, और अगर किसी ने इसको मुद्दा बनाया है जाँच में उस दोषी पर भी क्या एक्शन होता है। रंजय सिंह, कानपुर तक।